हेलो हरे कृष्णा दोस्तों, तो कैसे हो आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। तो रात को भाई मैं ऐसे ही सो गया था, बहुत नींद आ रही थी, बस एडिट की अपलोड पे लगाई बस और सो गया था मैं। तो चलो अभी नहा धो के निकलते हैं। तो भाई मैं नहा धो लिया हूँ, रेडी हो गया हूँ, और सबसे पहले मैं अभी जाऊँगा करने अपना वेट चेक करना है, क्योंकि मुझे पता है दुबई में जाने के बाद ना जितना मैंने पढ़ा है ना किसी ने नहीं पढ़ा होगा भाई, वेट बहुत ज़्यादा पुट ऑन हो रखा है। और आज से खाने के मामले में मैं कायदे में रहूँगा, ठीक है ना? क्योंकि अगर कायदे में रहूँगा तभी फ़ायदे में रहूँगा। तो यार वेट चेक करते हैं, उसके बाद रनिंग मेरी आउटडोर जितनी एक्सरसाइज है और इंडोर जो भी होगा ना मेरा सब कुछ स्टार्ट हो जाएगा। वेट चेक 70 बिना खाए पिए, खा के 2 किलो बढ़ जाता है। पहले तो मैं तोड़ने आया हूँ यहाँ पे लौकियाँ। लौकियाँ ये रही, एक तोड़ी जा सकती है ना ये भाई। कीड़ा लगा इसके, तो कीड़ा लगा है, आधा ही हो गया तो मैं इससे टूट गया। देखो कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं, अगला देखो। मेरे को डर ये लग रहा है यहाँ पे ना सांप भी हैं, मैं ऐसे ही सांप को नहा डाल लूँ। ओ वोरी तोड़ लिया ये तोरियाँ, मेरे को लगता नहीं कोई काम आएंगी, यही आ सकती है कुछ तोरिया काम, ये तो नहीं आएगी काम। ये रहा जगन्नाथ टेम्पल, जय जगन्नाथ। मम्मी का फोन भी आया था, अभी कुछ लेके आना। देखो दुकान तो चलो खुली है, पहले मम्मी का सामान ले लूँ। यहाँ से मैंने सिर्फ एक दृष्टि और गिलोय बटी लिए, गिलोय तो भाई सही चीज़ है तो वो लिए, दृष्टि मैं आँखों के लिए इसलिए लिए यार क्योंकि मेरा ना ज़्यादा एडिटिंग का काम है, इसलिए दृष्टि डाल के थोड़ी सेटिंग से बैठ जाती है। ट्राई करना कभी, एक बार तो चीखे निकाल देती है लेकिन सेटिंग से बैठ जाती है। तो चलो पहले घर चलते हैं, उसके बाद मम्मी को शक्ल दिखाता हूँ। और मैंने ना अभी कुछ नहीं खाया पिया, मैं सोच रहा हूँ जूस पी लूँ, यहाँ पे भैया होंगे अपने जूस वाले, वो भी बोलेंगे भाई इतने दिनों बाद। चलते हैं भैया शाम को। ओके भैया, जूस वगैरह हो गया अपना, हम निकलते हैं यहाँ से। चलो फिर मैं पहुँचता बाद में हूँ, काम पहला आ जाता है। अभी फिर निकल रहे हैं मामू दे नाल। चलो पीछे आग लाई हुई है यार, किसी ने खांसी खड़ गई, चलो हिंदी में बोलना भूल गया था। लाइब्रेरी बिचना मारी खड़ जा। अब यहाँ से जाने के बाद फिर एक और काम करना है यार, काम ही बहुत है आज। तो मैं घर पे गया, मम्मी ने बोला पहले ये काम करके, फिर मामू ने नाम मैं आ गया काम करने के लिए। सामान लिया यहाँ से, बिल्ली इतनी गंदी तरह बजी ना टांग में आके। अच्छा। अंदर बैठी थी तो हमेशा बजता ही रहता। हाँ भाई बहुत खतरनाक तरह से भिड़के गई, अभी यहाँ घुसी हुई है अंदर, इधर घुसी है यहाँ पे कहीं। हाँ चलता है भाई, लेकिन मेरे तो पैर में पहली बार बजी है ना, तो मेरे कैसे तो नहीं चलता, मैं तो हिल गया था। बस हूँ अपा निकल रहे हैं इधरों, सामान ले लिया सारा, मतलब निकल रहे हैं। मामू मेरे साथ उतने ना, मेरी हिंदी निकलती नहीं है भाई, पंजाबी पंजाबी शुरू होती है। इतना जाम है आज भी, मैं मामू को मार्केट पे उतार के गाड़ी खड़ी की, पीछे से पैं 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 पैं, मैं आगे से यू टर्न लेके जाऊँगा। मामू आप काम करो, फ़ोन कर देना मैं आ जाऊँगा। आज मेरा दिल था पूरा कि मैं जिम जाऊँ, वहाँ नहीं जा पाया क्योंकि घर के काम इतने हैं। और उसके बाद अब दिल है मेरा मैं रनिंग पे जाऊँ, और वहाँ नहीं जा पा रहा क्योंकि अब भी काम बहुत है। अब पहुँचे हैं घर सारा काम करने के बाद, बस अब ना कोई ऑर्डर दे दे मेरे को। सारा काम करने के बाद अभी मैं निकला हूँ इसका ऑन के लिए, दीपदान करने जाना, वो भी ज़रूरी है। 7 बजे हैं अभी, तो चलो दीपदान करने चलते हैं अभी। यार इतनी इस्कॉन में आज भक्तों की भीड़ है ना, आज तो बहुत भक्त आ रखे हैं। वैसे भी कार्तिक मास चल रहा है, गाड़ी लगाने की जगह ही नहीं मिली, बिल्कुल पीछे लगाई है। देखो गाड़ियाँ भरी बड़ी हैं। स्टार्ट हो गया दीपदान, लेट हो गया मैं। Oh, yeah.
मैं पहुंच गया हूं घर पे। आज तो भाई टाइम ही बहुत हो गया, 11:30 हो चुके हैं। मैं कपड़े चेंज करके गया था इस कॉन में, क्योंकि वो कपड़े ना अच्छे से नहीं लग रहे थे। तो चलो आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं कल नए व्लॉग के साथ। अगर यहाँ तक आ गए हो तो यार प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक शेयर करते रहना। मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, हरे कृष्ण।